झालावाड़ जिले में तेज सर्दी पड़ने के साथ ही इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। यहाँ के विभिन्न नदी तालाबों पर प्रवासी पक्षियों के झुंड कलरव करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पक्षियों को यहाँ की जलवायु और शांतिपूर्ण वातावरण खूब रास आ रहा है। झालावाड़ में इन पक्षियों के 2 करोड़ रुपए की लागत से लवकुश वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। हमारा झालावाड़ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। इसके चारों ओर बड़े बड़े तालाब हैं, वन हैं, इस कारण यहाँ पक्षी का आना जाना भी लगा रहता है। और सर्दियों के मौसम में बाहर के साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं, बार हेडेड गूज और ग्रे लेक गूज, ये बहुत अच्छी संख्या में यहाँ आते रहते हैं। इसके साथ में पेलिकन और फ्लेमिंगो, ये भी यहाँ का आकर्षण का एक केंद्र है। अभी हम बड़बेला तालाब पर हैं, यहाँ पर कई पक्षी तो स्थायी निवास करते हैं और कई पक्षी सर्दी के दिनों में आते हैं। यहाँ स्पून बिल है, स्टार्क है, डक की लगभग लगभग सभी प्रजातियाँ यहाँ पर आती है। और अभी वन विभाग की ओर से यहाँ लव कुश वाटिका का निर्माण किया है। यह निश्चित रूप से ही भविष्य में झालावाड़ का एक आप इसको प्राकृतिक रूप से भी जोड़े तो प्राकृतिक केंद्र बन सकता है, पर्यटक स्थल बन सकता है। आज मैं बड़बीला गांव लवकुश वाटिका में आई हूँ बहुत सारी बर्ड वॉचिंग के लिए, और मैंने बहुत सारी बर्ड्स देखी हैं, वाटर बर्ड्स, और जो ऐसी भी जो कभी ज़मीन पे बैठती है तो कभी सिर्फ पेड़ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स।